हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट्स रिपीटेड। ठीक है, फोर डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर डिजिट्स जो हैं हमने 0 से 9 लिया। लेट द डिजिट्स आर 0 to 9। तो अगर फोर डिजिट के नंबर होंगे तो 0 तो पहले रहेगा नहीं, पहले 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर रह सकता है, बाकी 0 सेकेंड प्लेस में, थर्ड प्लेस में या यूनिट प्लेस में आ सकता है। ठीक है, तो अगर हमको फोर डिजिट का नंबर बनाना है तो परमुटेशन के हिसाब से हम लिख लेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर हो गया 0 से 9 तक 10 नंबर हो गए, तो 10p4, क्योंकि फोर डिजिट का नंबर बनाना है। अब इसमें वो नंबर भी आ गया जिसमें शुरू में 0 आ रहा है, और शुरू में 0 रहने से तो फोर डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए हमको फिर जो 3 डिजिट के नंबर जितने फॉर्म हो रहे हैं उसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब शुरू में जिसका 0 आ गया, जैसे 0, 1, 2, 4 इस तरह का एक नंबर बन सकता है, 0, 3, 4, 5 ऐसे ही एक नंबर बन सकता है। ये सारे जो नंबर है ये 4 डिजिट नंबर नहीं, ये 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि शुरू के 0 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 डिजिट के जितने भी नंबर फॉर्म हो रहे हैं इससे उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9p3, क्योंकि 0 को हमने काउंट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास 1 to 9 9 नंबर हो गए और 9 नंबर में से 3 डिजिट का नंबर बन रहा है, तो 3 डिजिट के नंबर को माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच डू नॉट हैव 0 इन द बिगिनिंग। ठीक है, इक्वल टू तो 10p4 माइनस 9p3, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 × 9 × 7 × 8 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल माइनस 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हुआ, यहाँ भी 6 कैंसिल हुआ। अभी देखो 8, 9, 7 दोनों में है, तो 8, 9 और 7 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। 8, 9, 7 को हमने पिछला क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था तो 504 आया था, और ये 9 होगा माइनस करने से, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6, 9, 4 जो 36, 9, 5 जो 45, 4, 5, 3, 6 इसका आंसर आएगा।